जस मानक ने टॉर सॉन्ग म्यूजिक वीडियो पे ये दो बड़ी गलती कर दी है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉर वीडियो, फॉर मोर अपडेट्स चैनल सब्सक्राइब। वैसे तो जस मानक के जो रियल फैंस हैं उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है एंड मेरे को भी बहुत ही अमेजिंग लगा था, बट फिर भी जो हेटर्स हैं वो जस मानक के इस सॉन्ग पे दो खामियां देखने को मिली उसी को लेकर कई सारे ऐसे हेट फैला रहे हैं कि जस मानक का टॉर सॉन्ग अच्छा नहीं है, इसमें 100 मिलियन व्यूज जब ही नहीं जाएगा। सो क्या ये दो गलती, क्या सच में जस मानक का सॉन्ग टॉर सॉन्ग को फ्लॉप कर देगा या फिर नहीं, या फिर ये दो गलती क्या है, बताता हूँ। सो चलो फर्स्ट मिस्टेक की बात करें तो हमने जस मानक का टॉर सॉन्ग देखा था जब एल्बम पे ये सॉन्ग रिलीज हुआ था, तब इस सॉन्ग ने काफ़ी अमेजिंग लग रहा था, यानी कि जो हेटर्स थे उनको भी ये सॉन्ग काफ़ी अमेजिंग लगा था ऑडियो वर्जन। बट जो वीडियो आया कल शाम 6 PM को तो कई सारे खामियां देखने को मिली, जैसे कि जो शूटिंग है वो, मतलब कि मैंने टॉर सॉन्ग का लोकेशन देखा वो भी सेम टू सेम वही लोकेशन को रिपीट किया जा रहा था, एंड जस मानक का जो सॉन्ग था टॉर सॉन्ग इस पे अगर देखा जाए तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर्टिड लो को एक स्टोरी भी डालनी चाहिए थी इस सॉन्ग को लेकर, एंड इस सॉन्ग पे एक स्टोरी होता तो अमेजिंग होती, एंड इस सॉन्ग का जो वीडियो है वो मतलब कि बहुत ही कम पैसों पे लगा, ऐसा कई सारे इस पे ब्लेम लग रहे हैं। कई सारे लोगों का यहाँ बोलना था कि जस मानक के टॉर सॉन्ग पे बहुत ही कम पैसे प्रोड्यूस किया है केविन डिल्लो ने, ऐसा बोलना था। एंड अगर हाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सॉन्ग पे बहुत ही कम पैसे खर्च किया गया है, वही सीन को दोबारा दिखाया गया है एंड बहुत ही मतलब कि एक स्पेशल टाइप से बनाई नहीं गई है इस सॉन्ग को, जबकि नो कॉम्पिटिशन सॉन्ग का जो म्यूजिक वीडियो आया था वो काफ़ी अमेजिंग रहा था एंड इस वीडियो को काफ़ी अप्रिसिएटिंग भी मिला था। इसी टाइप से भी टॉर सॉन्ग को भी बना सकते थे जिसे वीडियो काफी अमेजिंग लगे, कुछ ना कुछ ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए था केविन डिल्लो को जस मानक के टॉर सॉन्ग पे। इसी बात का फायदा जो हेटर्स हैं वो उठा रहे क्योंकि जस मानक के सॉन्ग पे कुछ अमेजिंग रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सेकेंड मिस्टेक की बात करें तो जस मानक का इस सॉन्ग पे जो लिपसिंग देखा जाए तो बिल्कुल भी सॉन्ग से मैच नहीं कर रहा था जस मानक का जो लिपसिंग है। एंड अगर सेकेंड बात किया जाए तो जस मानक ने इस सॉन्ग को जल्दबाजी में बनाई हो, काफ़ी जल्दबाजी में बनाई गई है ऐसा मेरे को लगता है, बिकॉज जस मानक इस पे काफ़ी जल्दी जल्दी अपना जो काम है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं एंड जो स्टेप है उसको भी बहुत ही फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जस मानक, तो कहीं ना कहीं जस मानक ने इस सॉन्ग को कहीं ना कहीं जल्दी बनाने की कोशिश किया है। वहीं देखा जाए तो टॉर सॉन्ग में कुछ कुछ जगहों पर जस मानक का जो लिपसिंग है वो नहीं मिल पाती टॉर सॉन्ग से अगर देखा जाए तो, बाकी कहीं ना कहीं जस मानक ने इस सॉन्ग को बनाने में जल्दबाजी करी है। एंड सेकेंड बात करें तो जस मानक ने इस सॉन्ग का ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं करवाया, ना तो ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया, तो कहीं ना कहीं एक मतलब कि एक अच्छी बात नहीं होती, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था, जस मानक को इसका ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करना चाहिए था, थोड़ा बहुत सॉन्ग का प्रमोशन भी करना चाहिए था जिससे जो फैंस हैं उनको भी पता चले कि सॉन्ग आ रहा है। एंड बाकी जस मानक का टॉर सॉन्ग अभी भी ट्रेंडिंग लिस्ट पे चल रहा है, बाकी कुछ कम व्यूज देखने को मिल रहा है जस मानक के टॉर सॉन्ग पे, बट मेरे को नहीं पता कि क्या रीज़न होगा कि जस मानक का टॉर सॉन्ग को इतना कम व्यूज मिल रहा है। बाकी कहीं ना कहीं जस मानक ने इस म्यूजिक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर दी है। सो बाकी अपना ओपिनियन कमेंट करें कि आपको क्या लगता है, जस मानक का ये सॉन्ग हिट होगा फिर फ्लॉप, कमेंट करें। फॉर मोर अपडेट्स चैनल सब्सक्राइब।